अनुजा शर्मा। सोशल मीडिया के माध्यम से इसका दुरुपयोग करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को टिप्पणी करते हुए कहा कि प्रौद्योगिकी ने खतरनाक मोड़ ले लिया है और देश में सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर अंकुश लगाने के लिए निश्चित समय के भीतर दिशा निर्देश बनाने की आवश्यकता है। न्यायालय ने केंद्र से कहा कि वह 3 सप्ताह के भीतर बताए कि इसके लिए दिशा निर्देश तैयार करने के लिए कितना समय चाहिए। न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ ने किसी संदेश या ऑनलाइन विवरण के जनक का पता लगाने में कुछ सोशल मीडिया मंचों की असमर्थता पर गहरी चिंता व्यक्त की और कहा कि अब इसमें सरकार को दखल देना चाहिए। बहरहाल उच्चतम न्यायालय की इस टिप्पणी के बाद अब देखना यह है कि क्या केंद्र सरकार ऐसे सोशल मीडिया वालों पर अंकुश लगाती है जो गलत सूचनाओं का प्रचार करते हैं। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और इसी प्रकार की ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ nationupdate.in में। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल nationupdate.in।